Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد Today, it's my pleasure and honor, and I'm feeling blessed to speak few words in front of you all. Assalamu alaikum and a very, very good afternoon to our respected chief guest, our chairman sir, our guest of honors, respected teachers, and my beloved students. Ilm, Taaleem, Tarbiyat, Education. Ye sab alfaz sunne mein to bahut achhe lagte hain. Aur har ek walidain ki ye khwahish hoti hai, ye tamanna hoti hai ki unke bachche aala taaleem hasil kar sake. Unke bachche behtar se behtar taaleem yafta insaan ban sake. Lekin aaj एक एजुकेशनलिस्ट होने की हैसियत से एक एजुकेशनलिस्ट होने के नाते से हमारी फिक्र का मौजू ये है कि आज हम किस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं. क्या हम उस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं जहां पर हमारा मकसद बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम याफ्ता इंसान बनाना हो, या फिर हम उस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं जहाँ पर हमारा मकसद बच्चों की तालीम, सिर्फ तालीम, ऐसी तालीम जिसमें बच्चों के वालिदैन बोझ के नीचे दब जाएं, वो मजदूरी करके रातों को जाग कर अपना इलाज ना करा कर बच्चों की फीस भरने की फिक्र में हर वक्त मुलव्वस रहे. उनकी तकलीफ से हमें क्यों तकलीफ पहुँचेगी, क्योंकि हम तो सो कॉल्ड ब्रांडेड एजुकेशन जो देना चाहते हैं. हम किस दौर में, इस दौर में आज हमें ये फैसला करना होगा कि हम किस दौर में शामिल होना चाहते हैं. क्या उस दौर में शामिल होना चाहते हैं जहां पर हम बाहें फैलाए, दिलों को खोलकर हर एक बच्चों के वालिदैन से कहें कि आओ बिना किसी झिझक के आओ, आओ बिना किसी फिक्र के आओ और हासिल करो वो तालीम जो तुम पर फर्ज की गई है. और हमारा हर एक बच्चा अल्लामा इकबाल की इस दुआ की ताबीर बन जाए कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. या फिर क्या हम उस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं जहां पर एजुकेशन एक बिजनेस बन जाए, एजुकेशन एक तिजारत बन जाए. आज के दौरे इल्म हुनर में मेहर वफा का नाम न ले, आज के दौरे इल्म हुनर में मेहर वफा का नाम न ले. आज पुराने वक्त की सारी कदरें, आज पुराने वक्त की सारी कदरें दरहम बरहम है. इसलिए आज के इस कमर्शलाइज माहौल में, आज के इस कमर्शलाइज माहौल में ज़रूरत है इमाम रब्बानी सीनियर सेकेंडरी जैसे कम्युनिटी स्कूल्स की, ज़रूरत है हमारे चेयरमैन हज़रत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब जैसे लोगों की जिन्होंने न हालात देखे, ना माहौल देखा, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना जेब में कितने पैसे हैं देखा, बस चल दिए उम्मत की खिदमत के लिए.
और हम अपनी स्पीच यही कहकर ख़त्म करना चाहते हैं जो कि हमारे एंकर्स ने हमारे चेयरमैन सर के लिए कहा, मंजिल के जस्तजू में मुकद्दर को न देखा, मंजिल के जस्तजू में मुकद्दर को न देखा, चल दिए राह पर तो पलट कर न देखा, मंजिल के जस्तजू में मुकद्दर को न देखा, चल दिए राह पर तो पलट कर न देखा, मोती की आरजू थी तो साहिल पर ठहर कर, मोती की आरजू थी तो साहिल पर ठहर कर, गहरा है किस कदर दरिया न देखा। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।